दोस्तों अपने व्यू के अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में सुना होगा। आज हम बात करते हैं कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। अगर आप कोई इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशान सुधी, आप देख रहे हैं इंसान का अर्थ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने वीवो के अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में सुना होगा, यानी एक ऐसा फिंगरप्रिंट जो स्क्रीन के पीछे कहीं छिपा हुआ है। अगर आप स्क्रीन पर अपने अंगूठा लगाते हैं या फिर अपनी उंगली लगाते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है और डिवाइस अनलॉक हो जाता है। आखिर ये काम कैसे करता है? मान लो जो आपकी स्क्रीन है उसमें पिक्सल्स होते हैं, उन पिक्सल्स के बीच में लगभग कुछ गैप होता है, उन गैप के अंदर से छिपा कर कुछ सेंसर लगा दिया जाता है, यानी कोई ऐसा सेंसर लगा दिया जाता है जो आपके आगे फोटो क्लिक करता है। यानी जो आपने फिंगरप्रिंट जो अंगूठा लगाया उसकी जो जितनी भी ये लाइन्स है उन सभी को उसमें जो पिक्सल्स के बीच में से सेंसर लगे हुए हैं, यानी पिक्सल्स दो चार पिक्सल्स के बीच में लगभग थोड़ा सा गैप होता है, उन गैप के बीच में पीछे से आपको एक लाइट आती है, उससे जो उसमें पीछे सेंसर लगे होते हैं वे आपके अंगूठे को कैप्चर करते हैं, इससे आपके डिवाइस को अनलॉक किया जाता है। अब बात करें कि ये काम कैसे करती है, कि जो कंपनी ने इसे बनाया है उसका कहना है कि जो पिक्सल के बीच में जो गैप होता है उन गैप के अंदर से हम जो आगे सिग्नल भेज सकते हैं, यानी कि उस गैप से हम आगे जो क्या हो रहा है स्क्रीन पर वो कैप्चर कर सकते हैं, इससे आपके फिंगरप्रिंट अनलॉक हो सकते हैं। मगर बता दें कि जिन जिन डिवाइस में जो पिक्सल्स डिस्प्ले नहीं है, यानी कि जो OLED डिस्प्ले है उनके अंदर ये काम नहीं करता, ये सिर्फ LED पैनल में ही काम करता है। यानी कि अगर आपके डिवाइस LED है, उसकी स्क्रीन LED है तो उसी में ये काम करेगा, क्योंकि ये जो OLED डिस्प्ले उसमें ये काम नहीं करता, सिर्फ LED डिस्प्ले में ही ये काम करता है। जूमी ने आपको पता चल चुका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।